किसान साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि किसान साथियों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अतिवृष्टि 2020 के तहत जिन जिन किसान भाइयों की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हुई थी, तो उन सभी किसान भाइयों के खाते में जो अतिवृष्टि का पैसा है, अनुदान मुआवजा राशि है, वो ट्रांसफर होने लगी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं किसान साथियों कब तक आएगी, जैसे कि सोसाइटी खाता धारक है और किसान साथियों केसीसी खाता धारक है, डिफॉल्टर खाता धारक है, इन रेगुलर खाता धारकों में से किन किन किसान भाइयों को अतिवृष्टि बीमा के लिए अनुदान राशि का जो मुआवजा है वो मिलेगा, तो चलिए किसान साथियों जान लेते हैं। और किसान साथियों मैं आपको बता दूं, सोयाबीन अतिवृष्टि 2020 के तहत जो पैसा है वो किसान साथियों लगभग 49,000 किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर होगा। ये भी बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है किसान साथियों, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने 2020 में जो आपकी फसल अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या किसी भी प्रकृति आपदा के कारण अगर आपकी फसल बर्बाद हुई है, तो किसान साथियों आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे आप सोसाइटी खाताधारक हो या केसीसी खाताधारक हो या रेगुलर खाताधारक हो किसान साथियों। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आते हैं, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पंजीयन करा रखा है, तो किसान साथियों आप इस योजना का जो लाभ है वो बहुत ही जल्द ले सकते हैं। आपके खाते में जो अतिवृष्टि बीमा क्लेम की अनुदान राशि है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वन क्लिक के माध्यम से किसान साथियों सभी किसान भाइयों के खाते में, चाहे डिफॉल्टर हो चाहे सोसाइटी केसीसी खाताधारक हो, सभी के किसान भाइयों के खाते में यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।